बिकॉज सर में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। तो चलो अभी दवाई खाते हैं गाइस, दवाई खा के फिर मिलते हैं। अरे इधर आना, 50 बार खाने वाली। अरे 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 तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी का कुछ सीन ये है कि अभी बज गए 8 और वीडियो लाइव हो चुकी है। तो जाइए गाइस देखिए। और बिकॉज आज इधर ठंडी कुछ भी नहीं गाइस पड़ रही है, सूरज मामा निकल रहे एकदम अच्छे से, एकदम फुल व्यू तकड़ा हो रहा है और फुल गर्मा हो रहा है। इधर ठंडी लगी नहीं रही, बिकॉज कभी कभार लग रही है, कभी नहीं लग रही है, सुबह में नहीं लग रही तो दोपहर में लग रही है, ऐसा ही सीन चल रहा है गाइस। तो देखिए गाइस ऐसे कुछ सीन है। तो वीडियो मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया हूँ, तो अभी दूसरा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए सामने का व्यू, आज निकल रहे सूरज मामा। जो कल जो आज का ब्लॉग आएगा तो उसमें नहीं है, जो कल वाले ब्लॉग में था तो उसमें नहीं था गाइस, आज वाले ब्लॉग में मिल जाएगा आपको। तो देखिए गाइस व्यू कितना तगड़ा हो रहा था, आपको व्यू बताते हैं। और चलते गाइस नीचे चाय वाय पी के, मूवी धो के ब्रश करके चाय पीते और फिर मिलते। तो आपको पहले व्यू दिखा देते और फिर चलते गाइस। तो चलो गाइस सूरज मामा निकल रहे हैं अभी का साथ। इधर वही पुराने जैसा मौसम, हरा भरा और बदली बदली छाई है, पर आज सूरज मामा निकल पाए, नहीं तो कल तो निकल ही नहीं पाए थे। कुछ व्यू है तो व्यू तो आपको दे दिया हूँ, दे चुका हूँ, आप देख चुके हैं। तो चलो चलते हैं नीचे, नीचे चल के फिर मिलते हैं चाय वगैरह ब्रश व्रश करके। तो चलो फाइनली हम चाय पी के रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गेहूँ पिसवाने, तो चलो धान चलते पिसवाने जा रहे हैं हम। तो ये देखिए, तो चलो चलते हैं, चक्की पे रख के आते हैं। तो चलो गेहूँ रख दिए है मामा के यहाँ, मामा का घर भी नहीं है बिकॉज बाजू में, मामा घर पे चलते हैं उसके बाद में फिर। ये देखो हमारे मामा, अरे इधर आना, 50 बार खाने वाली। अरे 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 गाइस कितना क्यूट क्यूट बच्चा है। आटा रख के आ चुके हैं और एक गेहूँ रख के आ चुके हैं, तो आटा लेने जाएंगे शाम में। तो चलो अब देखते हैं क्या सीन है। फाइनली बिना नहाए अभी जा रहे हैं मंदिर पे, बिकॉज दीदी को कुछ तरी वहाँ चढ़ाना वगैरह है या फिर गाय को खिलाना भी है। तो जहाँ अगली बार गए थे बहुत सारी गाइस थी गाइस वहाँ, तो चल रहे हैं वहीं एक बार, तो और एक बार बताएंगे आपको कितनी सारी गाय है वहाँ। तो चलो चलते हैं और वहाँ मंदिर पे पहुँच के और लौट के मिलते हैं। तो सब चढ़ाना उड़ाना हो चुका है, तो ऐसा सीन था ना कि वो बिकॉज कल राम भगवान की शादी थी पर पता ही नहीं था, नहीं तो आते थे गाइस, वो भी आपको बताते थे, बहुत बढ़िया चीज़ होती थी यहाँ। तो चलो अब चलते हैं घर और घर चल के फिर मिलते हैं। फाइनली अभी हम जस्ट घर पर पहुँच चुके हैं, तो अभी आके अभी पहुँचे गए। तो अभी का कुछ सीन ये है कि चलना है गाइस मार्केट, तो चलो चलते हैं फिर से एक बार मार्केट, मार्केट से वेजिटेबल लेके आना है, तो लेके आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो चलो गाइस तो आ चुके हैं घर, उस मार्केट से घर वेजिटेबल लेके है। और ये है सांभर है, प्याज है, लहसुन लाए हैं। तो गाइस ये कुछ लाने गए थे हम, तो चलो चलते हैं अब नहाते हैं और नहा के फिर रेडी होके फिर मिलेंगे गाइस। तो जब तक के लिए वेट करना, आ ही रहे अभी। तो नहा के रेडी हो चुके हैं, बिकॉज हेड में थोड़ा पेन हो रहा था तो इसलिए मैंने जल्दी शैम्पू वगैरह लगा के नहा लिया, देखो बाल कैसे हो चुके गाइस। तो चलो गाइस अब चलते हैं लंच करने, दोपहर के कुछ 2 बज रहे हैं गाइस, तो लंच करते हैं और लंच करके फिर अपने काम पे चले जाते हैं गाइस और फिर शाम में लौटेंगे। तो चलो देखते हैं लंच में क्या बना हुआ है, खा के फिर मिलते हैं गाइस। तो रोटी है और भाजी है गाइस, खत्म करके फिनिश करके फिर जाएंगे काम पे और शाम में लौटेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। फाइनली मैं भी करूँगी उसके फाइनली गाइस। तो अभी हम जस्ट पहुँच चुके हैं घर, काम पे से छुट्टी हो गई और अब पहुँचे हैं घर। तो चलो मूवी होते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं और फिर बात करेंगे आपसे। तो चलो फाइनली फ्रेश हो के रेडी हो चुके हैं, बिकॉज सर में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। तो चलो अभी दवाई खाते हैं गाइस, दवाई खा के फिर मिलते हैं। सर दुख रहा बाबू तुम्हारा, सर दुख रहा, तुम चलो दवाई ले लो जल्दी से, तुम्हारा सर ठीक हो जाएगा। तो गाइस रुकिए, दवाई खा के गाइस, तो दवाई खा के रेडी हो चुका हूँ, सब हो चुका है। दवाई खाने के बाद में गाइस बिकॉज गाइस
हेड में ज़्यादा ही पेन हो रहा है यार, तो बिकॉज इसके लिए सॉरी गाइस, ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं, डिनर भी नहीं करूँगा आज, तबीयत सही नहीं लग रही, पेन ज़्यादा ही हो रहा है सर में। तो चलो स्टूडियो में सो जाते हैं और सुबह में मिलेंगे गाइस, तो शायद तक के कल लेट ही ब्लॉग आएगा, तो चला लेना गाइस। तो ऐसे कुछ सीन है, तो चलो देखते हैं कल का क्या सीन रहता है। सभी कुछ 8 बज चुके हैं और एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज क्योंकि कल रात में मंगाई मेरी बता रहा था, मैं सर में पेन हो रहा था, बिकॉज उसके बाद में ज़्यादा ही थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत तेज़ ठंडी लग रही थी गाइस। तो मैं बिकॉज पूरे 3 बजे रात को सोया, बिल्कुल भी नींद नहीं लग रही थी, तो वीडियो भी सर में भी पेन हो रहा था, इसलिए मैंने सब गर्म कपड़े डाल लिए, तो मेरे से कुछ हो रहा भी नहीं था और सर भी बहुत दुख रहा था गाइस, बिकॉज एकदम अलग ही सीन था कल। तो यही सब था गाइस, इसलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं गया कर पाया, और अभी आज ब्लॉग देखो कब एंड कर रहा हूँ, जब मेरा ब्लॉग आ जाता है जब एंड कर रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए माफ़ करना गाइस, तबीयत ख़राबी हो सकती है, इससे क्या कर सकते हैं अपन, तो जहाँ तक कि मेरे से वो वहाँ तक कि मैंने किया गाइस। तो चलो गाइस इस वाले ब्लॉग में इतना ही, और एक बात एक ये भी गाइस, मैंने कल ब्लॉग में दिखाया नहीं, बिकॉज मुझे पता नहीं था, नहीं तो राम भगवान की शादी मैंने मिस कर दी, बिकॉज बहुत धूमधाम से होती थी, आपको सब दिखा देते ब्लॉग में, बिकॉज पर वो मुझे मालूम ही नहीं था, मिस कर दिया अपन ने। तो जान दीजिएगा तो अगले साल जब आएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो गाइस इस वाले ब्लॉग में इतना ही, आया होगा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर सो मच।